लीम तालीमती करीम वसल्लम के जरिए उसने हमें भेजी हैं उस पर अमल करने वाला और उन तलीमत को मानने वाला अगर उसी हाल में मरता है तो उसका इनशा ठिकाना जन्नत है वो जहन्नम में नहीं जाएगा अल्लाह यह कि उसने कोई बुरे काम किए हों तो वो अपनी सजा के लिए वक्त, वक्ती तौर पर मुख्तसर मुद्दत के लिए जहन्नम में जाएगा वो भी अल्लाह तला की मर्जी है कि वो किसको माफ़ करे और किसको ना करे लेकिन उसका जो अल्टीमेट ठिकाना है वो जन्नत है और हमें इस बात पर भी यकीन है और उस हमारा ईमान है और दलायल के साथ ईमान है ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही ईमान हमने मान लिया चूंकि सुना था बल्कि दलाइल के साथ ईमान है कि जो आदमी अल्लाह की जात का इनकार करता है और अल्लाह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका इनकार करता है सिफात का वो हमेशा हमेश इटर्नल टाइम के लिए जहन्नम की आग में जलेगा हम ये नहीं चाहते कि जिन लोगों से हम जिंदगी में मिलते हैं उनके साथ उठते हैं बैठते हैं उनके साथ हम अपना कारोबार करते हैं उनके साथ लेन देन करते हैं वो कल हम उनको देखें कि वो हमारे साथ जन्नत में नहीं है हम उन हर, हम हरगिज ये नहीं चाहते मैं एक बात हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाई आपके यहां तो कॉन्सेप्ट कारमा का है वो ये कि अच्छा करोगे अच्छा पाओगे आपके यहां जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जब ये कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन इस बात का इमकान जरूर है चूंकि आपने आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो यकीनी नहीं है यानी मैं हिंदुओं से कहता हूं कि आपकी गीता यकी नहीं है कि वो कृष्ण जी का कलाम है इसी तरीके से वेदास का जो प्रिजर्वेशन है आप आज तक उसको साबित नहीं कर पाए कि वेदास जो है वो प्रिजर्व हुए या नहीं हुए कहां से आए कब चले अब कोई कहता है कि जी दस करोड़ साल पहले तो दस करोड़ साल पहले का आपके पास कोई ओरल ट्रांसमिशन का कोई रिकॉर्ड हो कुछ नहीं है तो इन बुनिया अच्छा उसके बाद आपके जो ऋषि हैं बहुत बहुत से उन्होंने खुद बुद्ध परस्ती की और आइडल वर्शिपिंग की जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है मेरे पास एक किताब है मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा आ, वैसे उसका उर्दू ट्रांसलेशन मेरे पास है लेकिन इंग्लिश में ये के ऊपर अवेलेबल है द द अबाउट गीता अ क्लोजर लुक एट हिंदू ये वी वी आर नारला की किताब है तो मैं हिंदू भाइयों से कहूंगा कि वो इस किताब को जरूर पढ़े उर्दू में इसका ट्रांसलेशन मेरे पास है गीता हकीकत के आईने में वी आर नारला आ, इसी तरीके से दयानंद सरस्वती की बहुत सी बातों से हमें इख्तलाफ है बल्कि बहुत सी

तो इस चीज को आप कम से कम अपनी ऋषि की बात सुने आप अपनी वेदों की बात सुने आप वेदों में जो ये श्लोक लिखे हुए हैं कि जो परमेश्वर है उसकी कोई मूर्ति नहीं है उसकी कोई सूरत नहीं है उसका कोई शेप नहीं है कम से कम उन अपनी मजहबी तालीम पर तो अमल करें तो हमारी जो ख्वाहिश है वो ये है कि लोग जिस तरीके से मुसलमान इन शह सुनशाला अल्लाह तला के ऊपर ईमान रखने के नतीजे में जन्नत में होंगे हम ये चाहते हैं कि सब लोग जन्नत में हमारे साथ जाएं और खसूस वो लोग जो पैदा मुसलमान खानदानों में हुआ और किसी वजह से वो इस्लाम से निकल गए वो तो जन्नत में जाए लेकिन हमें अफसोस होता है कि कुछ लोग मुख्तलिटल ट्रामा की वजह से, से वो इस्लाम छोड़ देते हैं इनशाला इस पर भी आगे बात करेंगे इस्लाम छोड़ने के की वजुहत क्या है जी मुफ्ती साहब जी, जी आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है कि होता है कि जब हम इस्लाम की दावत देते हैं चाहे वो हिंदू हो क्रिश्चन हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो तो वो ये समझते हैं कि एक तो हमें एक दुश्मन तस्वर करते हैं और ये समझते हैं कि भाई ये चाहते हैं कि इस्लाम ही फैले और इस्लाम की ही तादाद बढ़ती जाए तो जाहिर सी बात है हम इसलिए आपको दावत नहीं देते कि हमें तादाद की ज़रूरत है और तादाद तो अलहमद ला ऑलरेडी बढ़ ही रही हैचे आप आपके सामने और जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि तादाद का पढ़ना या फोड़ना इससे डिपेंड नहीं करता कि कौन सी चीज हक पर है और कौन सी चीज हक पर नहीं है तो हमारा आपको इस्लाम की तरफ दावत देना ये हम इस बात की दलील है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं हम आपसे दुश्मनी नहीं करते अगर आपसे दुश्मनी होती तो हम तो ये चाहते कि भाई इनको दावत ही ना दी जाए क्योंकि हमारा तो यकीन है आला वजील बसीरा कि मरेंगे तो हमें या तो जन्नत जाना है या तो जहन्नम जाना है और जो ईमान लाएगा और सोल्ला के दीन पर अमल करेगा वही जन्नत जाएगा उसके अलावा सब जहन्नम जाएंगे तो अगर दुश्मनी होती तो दुश्मन के लिए इंसान क्या चाहता है कि दुश्मन जो है तकलीफ में मुबतला हो तो हम आपको इस्लाम की दावत ही नहीं देते कि भाई जाए आप मरे और जाए जहन्नम में लेकिन हमारा आपको इस्लाम की दावत देना ये हमारी मोहब्बत की दलील है कि हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जन्नत में अल्लाह की न्यामतों में हम रहें जी अच्छा मैं जितने भी व्यवर्स हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें मैंने उनका जो लिंक है वो पिन किया हुआ है तो माशाल्लाह उनकी बहुत सी अच्छी वीडियोस हैं वो वक्तन-फवक्तन आती रहती हैं तो आप लोग उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी सबक फिर पढ़ का, अदालत का, का, लिया का फिर पढ़ का सदाकत